الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مؤقر حضرات علماء کرام بزرگان دین نوجوانان اسلام پس پردہ تشریف رکھنے والی عفت مآب خواتین اسلام بغیر کسی تمہید کے سیدھے سیدھے دو چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کر کے رخصت لوں گا چونکہ وقت بھی کافی ہوتا چلا ہے پھر آپ حضرات کو ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے اصل جو مقصد تھا وہ حاصل ہو چکا ہے وہ مقصد کیا ہے جو آپ حضرات مغرب کی نماز سے لے کر اب تک سماعت فرما رہے تھے دوست بزرگوں جہاں یہ آپ کا سالانہ پروگرام ہے بچوں کے دینی تعلیمی اور تربیتی اعتبار سے اسی طرح سے یہ بڑوں کے لیے بھی محاسبہ کا ذریعہ ہے محاسبہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں نگاہ ڈالنا ہے ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہے سننا مقصود نہیں جو ہم نے سنا کیا واقعتاً ان چیزوں کا علم ہمارے پاس بھی ہے اگر ہے تو بہت اچھا اگر نہیں ہے تو اس مجلس سے ہمیں بھی ایک فکر لے کر کے اٹھنا ہے وہ کون سی فکر کہ ہمارے معصوم بچے ننھے بچے نہ جنہیں دنیا کا پتہ ہے نہ دنیا داری کا پتہ ہے مختصر وقت کے اندر بہت بڑی بڑی اور قیمتی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں یہ فکر اور یہ کڑھن ہمارے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے اور داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ جیسے ہمارے بچے اپنے پروگرام کو پیش کر رہے ہیں وہ ساری سنتیں اور نوافل واجبات اور فرائض ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے اور اس کی فکر لے کر کے ہمیں اٹھنا چاہیے ان فکروں کے ساتھ
अगर हमने अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, फिर मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब प्रोग्राम है। और तलबा अजीज ने, इन मासूम बच्चों ने जो प्रोग्राम आप हजरात के सामने रखा है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, इससे उनके उस्ताद के मेहनत का पता चलता है। उस्ताद के मेहनत का पता चलता है। ये वो जगह है जहां पर अच्छे अच्छों के कदम डगमगा जाते हैं, जबाने गुंग हो जाती हैं, होश हवास आदमी खो देता है, बोलना कुछ चाहता है, जबान से कुछ और निकलता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो मासूम बच्चे जिनकी उम्र है 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल, बिल्कुल जिगर के साथ और बड़े दिलेरी के साथ और सही लहज में और सही अंदाज में अपने प्रोग्राम को पेश किए हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, इससे उनके उस्ताद के मेहनत का पता चलता है। कदर नियामत बादल जवाल, नियामत के कदर खत्म होने के बाद होता है। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको एक अच्छा इमाम और एक अच्छा खतीब और एक अच्छा उस्ताद, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपने बच्चों का एक अच्छा मुरब्बी आप हजरात को अल्लाह ने अता किया है। इसका एहसास अभी हमें नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी वजह से ये नियामत हमसे छिन गई, इसके बाद आने वाले नस्लों में मेरे दोस्त बुजुर्गों, फिर आप अपने मौलाना को याद करोगे तो उस वक्त याद करना किसी काम का नहीं होगा। कदरदानी यही है कि वक्त रहते हुए मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपने खतीब और इमाम और अपने उस्ताद का एहतराम अपने दिल में रखें, जहां तक हो सके उनको इज्जत देने की कोशिश करें। उनकी मेहनत का सिला हम और आप नहीं दे सकते। बड़ी कुर्बानियों के बाद यह अमला तैयार होता है। और पूरे अतराफ में आप निगाह दौड़ा कर देखें, कोई ऐसा मकतब आपके कुर्ब जवार के अंदर, दूर दराज में तो अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब चल रहे हैं, उलमा मेहनतें कर रहे हैं और तलबा निकल भी रहे हैं, लेकिन हमारे कुर्ब जवार के अंदर, हमारे अतराफ के अंदर ऐसा कामयाब मकतब मेरे नजर में तो नहीं है। आपके नजर में हो या ना हो मैं कह नहीं सकता। दुआ है अल्लाह ताला इस मकतब को और तरक्कियात से नवाजे। और हजरत मौलाना जाबिरुल हक साहब, दामत बरकत उनके उम्र में, सेहत में, तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमाए। और आप लोगों की उनसे मोहब्बत और उनकी आपसे मोहब्बत अल्लाह बरकरार रखे तादम में हयात। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज की ये मजलिस हजरत मौलाना जिस मौजू पर चले, इंशाल्लाह उसी पर मैं दो चंद बातें कहकर अपने गोशे गुजार को मुकम्मल करूंगा। दुआ फरमाए कि सही बातें अल्लाह ताला मेरी भी जबान से निकाले और कहने सुनने वालों को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की यह मजलिस दीनी तालीमी बेदारी की निस्बत से है और अजीम शान मजलिस है। दीनी तालीम के सिलसिले में मुझसे पहले हजरत मौलाना ने बहुत कम वक्त के अंदर बड़ी कीमती बातें बताई। आज की मजलिस की निस्बत कलाम मुकद्दस के साथ है, कुरान की तालीम के साथ है। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, निस्बत से चीजों की कीमत बदल जाया करती है। निस्बत से चीजों की कीमत बदल जाया करती है। बजाहिर ये मजलिस छोटी है, बजाहिर हम मादूद चंद हैं। दुनिया में बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ करते हैं, लेकिन उन प्रोग्रामों में और आज की इस मजलिस में मेरे दोस्त बुजुर्गों, जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए कि आज की मजलिस की निस्बत कलाम मुकद्दस के साथ है, कलाम इलाही के साथ है, कलाम रब्बानी के साथ है,
और निस्बत से चीजों की कीमतें बदल जाया करती हैं। मिसाल के तौर पर मेरे दोस्त बुजुर्गों, यही लकड़ी है, टीपाई है, और इसी लकड़ी को हम अपने जरूरत में इस्तेमाल करते हैं। इस लकड़ी की ना कोई इज्जत हमारे निगाह में है, न इसका कोई वकार हमारे निगाह में है, न इसका कोई एहतराम हमारे दिल के अंदर है। बस ये हमारी जरूरत के लिए हमने इसे तैयार किया है। इस लकड़ी को हम अपने आराम के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने चूल्हे जलाने में इस्तेमाल करते हैं, अपने चौकी और कुर्सियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपनी जरूरतों में हम इस्तेमाल किया करते हैं। यही वो लकड़ी का टुकड़ा, अगर इसका ताल्लुक, अगर ये लकड़ी के टुकड़े को रहल बना दिया जाता है, कुरान के पढ़ने के लिए टीपाई बना दिया जाता है, कुरान के पढ़ने और पढ़ाने के लिए डेस्क शक्ल इख्तियार दे दिया, शक्ल दे दिया जाता है, मेरे दोस्त बुजुर्गो, तो जहाँ हम कलाम मुकद्दस का एहतराम करते हैं, तो कुरान जिस लकड़ी पर हम रख करके पढ़ते हैं मेरे दोस्त बुजुर्गो, उसकी अजमत भी हमारे दिलों में होती है। जहाँ मुसलमान कुरान को चूमता है, फरमाया मुसलमान उस लकड़ी को भी चूमता है और उस रहल को भी चूमता है। लकड़ी ये भी है और लकड़ी वो भी है, लेकिन इसकी इज्जत हमारे दिल में कुछ नहीं है। और वो लकड़ी जो कुरान के लिए, कुरान के पढ़ने के लिए, कुरान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी अजमत हमारे दिलों में आ जाती है। जहाँ कुरान को चूमते हैं उस लकड़ी को भी चूमते हैं। यही कपड़ा है हम अपनी जरूरतों में इस्तेमाल किया करते हैं। रुमाल बनाते हैं, कुर्ता और पैजामा बनाते हैं, पैंट और शर्ट का इस्तेमाल करते हैं, गंदा होता है सफाई करते हैं, पहनते हैं, उठाकर फेंक देते हैं। इस कपड़े की इज्जत हमारी निगाह में कुछ भी नहीं है। कुछ है, कोई एहतराम हमारे दिल के अंदर है, लेकिन अगर यही कपड़े का टुकड़ा कलाम मुकद्दस का जुज़दान बन जाता है, खुदा की कसम उस कपड़े की निस्बत कलाम मुकद्दस से हुई, तो एक मुसलमान जब कुरान खोलता है और कुरान करीम को पढ़ता है, फिर उसको पढ़ना खत्म करता है, जब कुरान को रखने लगता है, जहां कुरान को चूमता है वही जुज़दान को भी चूमता है। कपड़ा ये भी है और कपड़ा वो भी है, लेकिन जब इस कपड़े को उठाता है, कोई एहतराम नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई अजमत नहीं, बस ये जरूरत की चीजें हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गो, वही कपड़ा अगर निस्बत कुरान से हो गया तो कपड़े की कीमत बदल गई, लकड़ी की निस्बत कुरान से हो गया तो लकड़ी की कीमत बदल गई, कागज की कीमत, कागज का निस्बत कुरान से हो गया, फरमाया उस कागज की कीमत बढ़ गई। मेरे दोस्त बुजुर्गो, निस्बत से चीजों की कीमतें बदल जाया करती है। मजालिस बहुत होते हैं, लेकिन आप ये मजलिस जिसकी निस्बत कलाम मुकद्दस के साथ है, कलाम इलाही के साथ है, इसलिए ये मजलिस दुनिया की और मजलिसों में मेरे दोस्त बुजुर्ग को बड़ा बाइज्जत मजलिस हुआ करता है। इसे मामूली ना समझा जाए, तो कुरान की निस्बत की ये मजलिस है, दीनी तालीम की निस्बत की ये मजलिस है, और अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, आके नामदार ताजदार बता जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सीरत मुकद्दसा को उठा करके देखें, आपके सीरत मुकद्दसा का सबसे अनोखा और सबसे अनमोल और सबसे कीमती मेरे दोस्त बुजुर्गों जो सरमाया है, फरमाया उसको कौन सा चीज है, फरमाया वो दीनी तालीम है। आपके सीरत का सबसे बड़ा पैगाम जो है वो तालीम के ऊपर है। ये अलग बात है कि मुसलमानों के दिलों से दीनी तालीम की अहमियत धीरे धीरे निकलती चली जा रही है। इस पुरफितन दौर के अंदर आज मुसलमान का नौजवान मगरीबी तहजीब का दिलदादा होता चला जा रहा है, और मगरीबी तहजीब और मगरीबी कल्चर को मेरे दोस्त बुजुर्गों अपनाया अपनाता चला जा रहा है। अल्लाह इस नस्ल की हिफाजत फरमाए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस रूए कायनात के अंदर, हम और आप सब जानते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात के अंदर 18,000 मखलूकात को पैदा किया है, कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा किया। उन 18,000 मखलूकात में से अल्लाह ने हजरत इंसान को, हमको और आपको
आपको शराफत का ताज पहनाया, बुजुर्गी का ताज पहनाया, अजमत का ताज पहनाया। मेरे दोस्त बुजुर्गो, अल्लाह ने मकाम अता फरमाया, कुरान करीम के अंदर फरमाया, वलकद करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर वल बहर व रज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात व फज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, हमने इंसान को बड़ा मुकर्रम बनाया है, बड़ा अजमत वाला बनाया है, बड़ा बुजुर्गी वाला बनाया है। फरमाया बुजुर्गी का ताज अल्लाह ने इंसान को पहनाया। मेरे दोस्त बुजुर्गो, अब गौर करने का मकाम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 18,000 मखलूकात पैदा किया, उनमें से चुनकर हम इंसान को बनाया और फिर हमें शराफत का ताज पहनाया। क्या हमसे पहले मखलूक अल्लाह ने पैदा नहीं किए? मेरे दोस्त बुजुर्गो, अल्लाह ने सबसे पहले फरिश्तों की जमात को पैदा किया। किसे पैदा किया? फरिश्तों की जमात को पैदा किया। और किससे पैदा किया? फरमाया नूर से पैदा किया, नूर से पैदा किया। फिर उसके बाद अल्लाह ने जिन्नात की जमात को पैदा किया और फिर उन्हें अंधा आग से पैदा फरमाया। उनकी पैदाइश में आग का मादा ज्यादा रखा और अखीर में अल्लाह ने हजरत इंसान को बनाया। और किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। नूर के आगे, आग के आगे मिट्टी की कोई हैसियत नहीं होती। मेरे दोस्तों बुजुर्गो, इस मिट्टी से इंसान के पुतले को बनाया और फिर उसमें रूह डाली। और जब अल्लाह ने इंसान को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले अल्लाह ने फरिश्तों के दरमियान में अपनी बात को रखा। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, अल्लाह ने फरिश्तों के सामने अपने बात रखी कि मैं एक अपना नायब और खलीफा बनाना चाहता हूं। तो फरिश्तों के दिल में सवाल पैदा हुआ, ए अल्लाह, हम तो तस्बीह करते हैं, हम तो तहलील करते हैं, हम तो रुकू और सजदा करते हैं, आपकी तहमीद बयान करते हैं, आपके जिक्र करते हैं, इसके जिक्र के लिए हम काफी हैं। इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत पड़ गई? इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत है? और जब पैदा होगा तो होके करेगा क्या? रुकू हम करते हैं, सजदा हम करते हैं, तहमीद हम करते हैं, तहलील हम करते हैं, जिक्र हम करते हैं, सारी इबादत हम करते हैं। जिन कामों पर आपने हमें लगा दिया है उन कामों पर हम लगे हुए हैं। ये इंसान पैदा होकर के दुनिया के अंदर क्या काम करेगा? अल्लाह फरमाता है वो इंसान पैदा होगा दुनिया में, वो सारे काम करेगा, मेरी नाफरमानी भी करेगा और मेरी फरमाबरदारी भी करेगा, नेकी भी करेगा और बुराई भी करेगा, इंसाफ और अदल को कायम करेगा और जुल्म भी करेगा। गर्ज़े की दुनिया के अंदर जितने काम हैं सारे उमूर को अंजाम देगा। तो फरिश्तों ने क्या कहा? قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ, ए अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करना चाहते हैं जो जमीन में फसाद भी करेगा, खूनरेजी भी करेगा, फितना मचाएगा? ऐसे मखलूक को पैदा करने की क्या जरूरत है? नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, हम आपकी तस्बीह के लिए, आपकी तहलील के लिए, आपके जिक्र के लिए, आपकी इबादत के लिए, आपके सामने सजदा करने के लिए, आपके सामने रुकू करने के लिए हम फरिश्तों की जमात काफी है। इंसान को पैदा करने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने आगे फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, मेरे फरिश्तों जो बात मैं जानता हूं उसका इल्म तुम्हें नहीं है। बात खत्म हो गई, हुज्जत खत्म हो गया। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत आदम के बदन में जिस्म के अंदर रूह को डाला, ढांचा बनाया और रूह को डाल दिया। और आगे कुरान क्या फरमाता है? वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। अब अल्लाह जब आदम को पैदा कर दिया, फरिश्तों के सवाल का, एतराज का जवाब अल्लाह फरमाता है,
कि मैंने हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो सलाम को पैदा किया, पैदा करने के बाद वअल्लमा आदम अल अस्मा, चीजों के नाम मैंने आदम अलैहि सलातो सलाम को अल्लाह ने सिखाया। दुनिया में जितनी चीजें हैं तमाम चीजों के नाम अल्लाह ने हजरत आदम को सिखाया। सिर्फ सिखाया नहीं, चीजों की खासियत भी बताई, उसके फवायद को बताया, उसके नुकसान को बताया, उसके तरीके इस्तेमाल को हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो सलाम को अल्लाह ने खुद सिखाया। चीजों के नाम बताए, उनके काम बताए, उनकी खासियत बताई, उनके नफे और नुकसान को बताया, तरीके इस्तेमाल को बताया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिसको कुरान ने इल्मुल अस्मा के नाम से जाना जाता है, चीजों के नाम अल्लाह ने सिखाया, और इसी इस्मुल अस्मा को हमारे जबान के अंदर साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। चीजों के नाम अल्लाह ने सिखा दिए। जब तालीम मुकम्मल हो गई, हजरत आदम ने सीख लिया, सीख लेने के बाद मेरे दोस्त बुजुर्गों अब फरिश्तों के सामने लाए। किसके पास लाए? फरिश्तों के सामने पेश किया। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका فقال انبئوني باسمائي هؤلاء ان كنتم صادقين। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम जो दावा किया करते थे ये जमीन में आएंगे, ये फितना मचाएंगे, ये खुरेजी करेंगे, जमीन के अंदर फितना और फसाद को फैलाएंगे, इन्हें पैदा करने की क्या जरूरत थी? आओ आज आकर के देख लो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से चीजों का नाम पूछेगा। फरिश्तों, इन चीजों का नाम क्या है? قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا। चीजों के नाम अल्लाह फरिश्तों से पूछेगा, फरिश्ते इनकार कर देंगे, अल्लाह हमें इसका इल्म नहीं, हम इसे जानते नहीं है, ये है क्या चीज, इसका क्या नाम है, इसके क्या काम है, इसके क्या फवायद है, हमें कुछ पता नहीं। इल्ला मा अल्लमतना, बस इतना हम जानते हैं जो आपने हुक्म दिया हम उसे पूरा करते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है, फिर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह सवाल करेगा, चीजों के नाम बताओ, नाम बताएंगे, फवाइद बताएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गो, जब वो चीजों के नाम बता देंगे, वहीं पर फरिश्तों के ऊपर हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की फजीलत को साबित कर दे, और अल्लाह कहेगा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मेरे बंदे जो मैं जानता था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस कायनात के अंदर अपने निजाम को और अपने कानून को जब नाफिज करना चाहता हूँ, और नाफिज करने के साथ साथ इस जमीन के अंदर अपनी खिलाफत को देना चाहता हूँ, और खिलाफत के लिए मेरे फरिश्ते इल्म का होना जरूरी है, बगैर इल्म के खिलाफत संभाला नहीं जा सकता। लिहाजा आदम की फजीलत तुम पर जो है वो सिफत इल्म की वजह से, सिफत इल्म की वजह से। मेरे दोस्त बुजुर्गो, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्तबा और फजीलत और बढ़ोतरी फरिश्तों से आगे लेकर चले गए, और अल्लाह ने बता दिया, अगर कामयाबी चाहते हो, मुमताज बनना चाहते हो, तो उसके लिए इल्म का होना जरूरी है। फरमाया बगैर इल्म वाला वो अल्लाह को भी पहचान नहीं सकता। इल्म का होना जरूरी है, बगैर इल्म के मेरे दोस्त बुजुर्गो जिहालत और अंधेरा ही अंधेरा। जब आप अलैहिस्सलाम मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया कायनात में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर फरमाया कैसर और किसरा की हुकूमत थी, और पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हुई, बटी हुई थी, लेकिन पूरे कायनात के अंदर एक जगह जिसको हम और आप जजीरतुल अरब के नाम से याद करते हैं, जिसे अरब कहा जाता है, उस जजीरतुल अरब पर न कैसर की हुकूमत थी, न किसरा की हुकूमत थी, और ना ही वो हुकूमत करना चाहते थे।
पूरी दुनिया पर हुकूमत, लेकिन जजीरतुल अरब पर हुकूमत नहीं, और न ही कैसर उस पर हुकूमत करना चाहता था, न किसरा हुकूमत करना चाहता था। उसके वजह क्या था मेरे दोस्त बुजुर्गो? फरमाया पूरी दुनिया के अंदर कैसर किसरा की हुकूमत तो थी, पूरी दुनिया पर कुफ्र का डेरा बसा हुआ था, लेकिन पूरी दुनिया कुफ्र में जितने गुनाह होते थे और जितनी बीमारियां उनके अंदर मौजूद थी और जितनी फहशकारियां उनके अंदर मौजूद थी, वो तमाम गुनाहों को और तमाम फितने और फसाद को एक तरफ कर दिया जाए, तन्हे तन्हा जज़ीरतुल अरब के अंदर, उसी मुल्क के अंदर, मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, फरमाया उससे ज्यादा फितना और फसाद वहां पर मौजूद। वजह क्या थी? फरमाया इल्म, इल्म नहीं था, जिहालत थी, और जिहालत का आलम यह था, खुदाओं की तादाद नहीं और माबूदों की तादाद आबिदों से ज्यादा, पत्थरों के पूजने वाले, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले, सारी बीमारियां उनके अंदर मौजूद थी। कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, लूट करना, मारना, दंगा करना, फसाद करना, जुआ खेलना, चोरी करना, जिना करना, जान लेना, मेरे दोस्त बुजुर्गों इनके हाथ का खेल। कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो अरब के अंदर मौजूद ना हो। क्या उनके अंदर इल्म वाले नहीं थे? क्या उनके अंदर पढ़ने वाले नहीं थे? इल्म वाले थे, लेकिन गिने चुने लोग थे। अवाम नास में इल्म का कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं था इल्म के ना होने की वजह से। मेरे दोस्त बुजुर्गों गुमराही और तबाही के दहाने पर पहुंचे। तबाही के दहाने पर पहुंचे और उन पर कोई भी हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे तबाही के आलम में मेरे दोस्त बुजुर्गों जिसको कुरान ने कहा लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इद बअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ऐसे पुरफितन माहौल में जहां इल्म का दूर दूर तक पता तक नहीं था, जिहालत के अंधेरे में पड़े हुए थे, मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और जब लाए तो सबसे पहले तालीम जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को दिया गया या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को पेश किया, वो बुराई की बुराई नहीं की, जिना की बुराई नहीं बताया, शराब की बुराई नहीं बताई। सबसे पहली तालीम जो दिया गया वो कौन सा था? फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। आपने सबसे पहले वही यही उतरी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़िए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ने को आम किया, तालीम को आम करने की मेहनत की। मेरे दोस्त बुजुर्गो आज समाज के अंदर बगैर तालीम के और बगैर इल्म के अगर हम समाज को सुधारने की फिक्र करेंगे, तालीम की फिक्र अगर ना करेंगे, तो खुदा की कसम समाज का सुधार बगैर तालीम के मुमकिन नहीं है। इन्हीं तालीम की तरफ तवज्जो दिया जाए। पहला पैगाम यह है कि अगर मेरा बच्चा मकतब में आता है तो पूरे फिक्र के साथ मकतब में भेजे। यही तिफलान मकतब जिनसे वाबस्ता है मुस्तकबिल, इन्हीं जर्रों को चमकाकर शबे महताब करना है। यही बच्चे खड़े होंगे मेरे दोस्त बुजुर्गों, फिर हुकूक के अदा करने वाले बने। अल्लाह ताला हम तमामों को दीनी तालीम की निस्बत से, कुरान की निस्बत से, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की निस्बत से, मेरे दोस्त बुजुर्गों हमेशा एकजहती के साथ और एक जहन के साथ और एक फिक्र के साथ हमें जुड़ करके इस मेहनत को आगे चलाना है और बढ़ाना है, और इस मकतब को मिसाली मकतब बना करके पेश करना है। करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरे और आपके आने को और आपके बैठने को और हजरत मौलाना जाबिरुल हक साहब के इस महीन मेहनत को अल्लाह कबूल फरमाए और हमें भी शर्फे कबूलियत से नवाजे और इस पूरे इलाके को अल्लाह कबूल फरमाए और इसी मेहनत को हमारे लिए कामयाबी का जरिया बनाए और आखिरत में निजात का जरिया बनाए। मैं इतनी अपनी सी मुख्तसर सी बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बला। ये आपके जाकिर भाई
जानते सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है, बीमार है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, सेहत और सलामती तंदुरुस्ती तवानाई अता फरमाए। शब बरात है, आप हजरात शबेदारी भी करने वाले हैं, मेरे दोस्त बुजुर्ग अल्लाह को राजी करें, इताअत फरमा बरदारी करें, तन्हाई में करें, घर में करें या मस्जिद में आकर करें, शब गुजारी उतना ही देर करें जितना देर आप अल्लाह का जिक्र कर सकते हो। गफलत के साथ शब गुजारी करने से बेहतर है कि आदमी अपने मकान में सो जाए और सुबह जमात से नमाज पढ़े, ये उसमें ज्यादा नेकी है बजाय इसके कि हम पूरी रात जागे और बाहर बैठकर गीबत और चुगली करें, इसका ताना उसका तशनी पेश करें और सुबह की नमाज छोड़कर जाके सो जाए। इसलिए जितना देर जिससे हो सकता है वो उतना देर अपने बशाशत से जागे। पूरी रात का जागना जरूरी नहीं है, अगर कोई आदमी पूरी रात नहीं जाग सकता है, फरमाया घंटा दो घंटा भी इबादत करके सो जाए और फिर सुबह तहज्जुद पढ़े और जमात के साथ नमाज पढ़े। जिसको जो तौफीक हो अपने अल्लाह के यहाँ अपने बार अल्लाह के बारगाह में तौबा करें। आज की रात अल्लाह मगफिरत का रात रखा है, बहुत लंबा बात है मेरे दोस्तों बुजुर्गों शाबान के निस्बत से, बस इतनी बात है कि इस शब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत फरमाया बनो कल्ब की बकरियों के बाल से भी ज्यादा इंसानों की अल्लाह मगफिरत करता है इस रात के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे अहबाब भी होते हैं जो इबादत करते भी हैं, फरमाया जिक्र अस्कार भी करते हैं, लेकिन उन्हें मगफिरत नसीब नहीं होती। उनमें कई ऐसे अफराद हैं जिसके बारे में अहदीस रसूल के अंदर आया है, एक मुशरिक जिसकी मगफिरत इस रात के अंदर नहीं होती, फरमाया ऐसे दिल में कीना रखने वाला आदमी उसकी मगफिरत नहीं होती, फरमाया जैसे ऐसे औलाद जिनसे माँ बाप नाराज हो या अपने माँ बाप को वो नाराज कर रखा हो, फरमाया वालिदैन का नाफरमान की भी मगफिरत नहीं होती, फरमाया ऐसे ही हसद करने वाले और आगे बताया सिला रहमी कता ताल्लुक करने वाले रिश्तेदारों से ताल्लुकात को तोड़ने वालों की भी अल्लाह इस रात में मगफिरत नहीं करता है। अगर हमारे आपस में गुफ्त सुनीद में बातचीत में मामलात में उठने बैठने में आपस में किसी किस्म का कुछ नाचाती हो जिसकी वजह से किसी का दिल किसी से टूटा हो, मेरे दोस्त बुजुर्गों आपस में मिल लें, मोहब्बत और प्रेम से अल्लाह की याद में आए, अपने वालिदैन को मनाए, अपने वालिदैन से माफी मांगे। मेरे दोस्त बुजुर्गो वालिदैन की फरमा बरदारी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रजा अर रब रजल वालिदैन व सखत अर रब सखत अल वालिदैन, वालिदैन के खुशी में अल्लाह की खुशी है, वालिदैन के नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। हम जितनी इबादतें कर लें, अगर मेरा पड़ोसी मुझसे परेशान, मेरा रिश्तेदार मुझसे परेशान, मेरे वालिदैन मुझसे परेशान, मेरे हमसाया मुझसे परेशान, मेरे दोस्त बुजुर्ग ये हमारी इबादतें और हमारे रोजे और हमारे सौम सलात ये हमारे निजात के लिए काफी नहीं होंगे। इसलिए जहाँ हम अल्लाह के हुकूक को अदा करने की फिक्र करें, वहीं पर हुकूकुल इबाद को भी अदा करने की फिक्र करें। अल्लाह की बारगाह में आने से पहले एक दूसरे से माफी तलाफी करें, अपने और एक दूसरे के हुकूक को अदा करके बारगाह खुदाबंदी में आए। अल्लाह पाक हम तमामों को कहने सुनने से अदा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम ومنك السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما ہماری لغزشوں کو معاف فرما یا اللہ بے شک ہم بڑے گنہگار ہیں یا اللہ بے شک بڑے ریاکار ہیں یا اللہ بڑے سیاہکار ہیں یا اللہ ہم نے تیری نعمتوں کو استعمال کیا ہے اور جان جان کر تیری نافرمانی کی ہے یا اللہ ہم سب اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے ہمارے حال پر رحم فرما ہمیں نیکی و حسنات کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما یا اللہ مجلس کرنے والے سجانے والوں کو قبول فرما مجلس کے روح رواں کو قبول فرما یا اللہ مجلس کے انعقاد میں یا اللہ جتنے احباب نے اپنے جان سے مال سے اوقات سے یا اللہ قربانیاں دی ہیں یا اللہ تو ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے یا اللہ جو اس اجتماع کے اور اس اجلاس کے سجانے میں جنہوں نے اپنے مال کو لگایا ہے یا اللہ ان کو بھی قبول فرما ان کے کاروبار میں برکت و خیر عطا فرما یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما یا اللہ جو طلبہ
और तालिबान ने अपने प्रोग्रामों को पेश किया है, या अल्लाह तो उन्हें भी कबूल फरमा और उनके इस प्रोग्राम और दीनी तालीम के निस्बत से या अल्लाह उनके वालिदैन के लिए मगफिरत का फैसला फरमा, या अल्लाह उनके वालिदैन के लिए मगफिरत का फैसला फरमा, या अल्लाह इस पूरे महल्ले को कबूल फरमा, या अल्लाह पूरे महल्ले के लिए खैर का फैसला फरमा, या अल्लाह इस खैर या अल्लाह पूरे महल्ले के लिए खैर का फैसला फरमा, महल्ले के नौजवानों को बरसर रोजगार फरमा, जो बरसर रोजगार हैं उन्हें रिस्क हलाल और तैयब माल अता फरमा, या अल्लाह हमें कबूल फरमा। पसे पर्दा हमारी माएं बैठी हुई हैं, या अल्लाह उन्होंने भी अपने दामन को फैलाया है, तू दाताओं का दाता है, तू हर एक को अता करने वाला है, या अल्लाह यहाँ पर बहुत सारे अहबाब हैं, हर एक के कुछ न कुछ नेक ख्वाहिशातें और नेक तमन्नाएं हैं जो उनके दिलों में करवटें ले रही हैं, या अल्लाह तू हर एक की जायज मुरादों को पूरा फरमा, हर एक के नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, या अल्लाह हम में जो परेशान है उनके परेशानियों को दूर फरमा, हम में जो मकरूज हैं या अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा, या अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, खुसूसन या अल्लाह इस महल्ले के जाकिर भाई या अल्लाह काफी दिनों से बीमार हैं, या अल्लाह ज़ेर इलाज हैं, या अल्लाह बीमारी का देना और शिफा का देना सब कुछ तेरे दस्ते कुदरत में है, या अल्लाह बीमारी भी तेरी नियामत है और शिफा भी तेरी नियामत है, या अल्लाह हम कमजोर व नातवा हैं, या अल्लाह बीमारी वाले नियामत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, या अल्लाह तू जाकिर भाई को शिफा वाले नियामत अता फरमा, या अल्लाह उन्हें शिफा वाले नियामत अता फरमा, उनको सेहत व सलामती तंदुरुस्ती तवानाई अता फरमा, और जिस दवाई को बतौर इलाज के इस्तेमाल कर रहे हैं या अल्लाह उसके अंदर शिफा को दाखिल फरमा, या अल्लाह बहुत सारे अहबाब हैं जो दुआओं की दरख्वास्त करना चाहते थे और कहना चाहते थे कह नहीं पाए हैं, या अल्लाह बहुत सारे अहबाब हैं जिन्होंने बज़रिए फोन या अल्लाह दुआ की दरख्वास्त किया है, या अल्लाह हर एक की जायज मुरादों को पूरा फरमा, हर एक की नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा, हम में से जितनों के वालिदैन हयात में हैं या अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमा, या अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमा, उनके साए को हम पर तादेर कायम फरमा, पूरे उम्मत मुस्लिमा के मरहूमीन की मगफिरत फरमा, या अल्लाह खुसूसन इस महल्ला घुरुडिया के या अल्लाह कब्रिस्तान में जितने मरहूम आराम कर रहे हैं, या अल्लाह तू हर एक की मगफिरत फरमा, हर एक के दरजात को बुलंद फरमा, हर एक के नामे आमाल को नेकियों से पुर फरमा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह उनके जन्नतुल फिरदौस और मकाम आला इल्लीन में जगह नसीब फरमा, जो कुछ हमने मांगा उसे अता फरमा, और जो कुछ मांगने से रह गया उसे भी अता फरमा, तेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर के लाइन से दुआएं मांगी हैं या अल्लाह तू उसमें हमारा हिस्सा अता फरमा, और जितने शुरूर व फितन से पना चाहिए हैं उन तमामों से हम तमामों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह जो हमारे मुनाजात को आके नामदार मदनी ताजदार इमाम उल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हुजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल और अपने फजल व करम से बेहद कबूल फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन, व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।